दोस्तों, क्या आप इन एनिमल्स के नाम और फैक्ट जानते हैं? अगर नहीं जानते तो वीडियो को पूरा देखना, हम आपको इनके इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएंगे। पोलर बियर। दुनिया के कम 2/3 ध्रुवीय भालू कनाडा में रहते हैं। पोलर बियर अपनी जिंदगी का ज़्यादा भाग समुद्र और समुद्र के आसपास के शिकार मंच के रूप में समुद्री बर्फ का उपयोग करते हुए बिताता है। ये हमेशा बर्फ पर ही रहता है। जैसे जैसे हमारा ग्रह गर्म होता है, बर्फ पिघलने लगती है और इनकी आबादी खतरे में पड़ जाती है। लिंक्स। यूरेशियन लिंक्स दुनिया में लिंक्स की 4 प्रजातियों में से सबसे बड़ा है। यूरेशियन लिंक्स की 90% से अधिक आबादी साइबेरिया के जंगलों में रहती है। लिंक्स के पैर बड़े और गोल होते हैं, जिससे उन्हें गहरी बर्फ पर यात्रा करने में मदद मिलती है। इसीलिए वह गंभीर सर्दियों की परिस्थितियों में शिकार के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित हैं। लिंक्स हमेशा छोटे शिकार पर भोजन करता है, जैसे खरगोश, पक्षी, लोमड़ी। एक लिंक्स हवा में 2 मीटर कूदकर पक्षी पर प्रहार कर सकता है। यह जमीन से ही उड़ान भरता है। मादा लिंक्स घोंसले का निर्माण नहीं करती। युवा लिंक्स अपनी माँ की उपस्थिति के बिना अपनी पहली सर्दी से नहीं बच पाता। लिंक्स के बच्चे 10 दिन की उम्र में अपनी आंखें खोलते हैं। पफिन बहुत ही सुंदर पंछी है। पफिन अपने विशिष्ट काले और सफ़ेद शरीर और चमकीले रंग की चोंच के साथ पफिन और परिवार में प्रसिद्ध और आसानी से पहचाने योग्य पक्षी हैं। गर्मियों में उनकी चौड़ी त्रिकोणीय चोंच और पैर चमकीले नारंगी रंग के होते हैं। सर्दियों में प्रजनन के मौसम के अंत के बाद वह ब्राउन रंग के हो जाते हैं। पफिन उड़ सकते हैं और जे मछली खाता है। इसका आकार 10.12 इंच तक होता है। बेबी पफिन को पफलिंग कहा जाता है। अब पफिंग की प्रजाति खतरे में है। आए दिन इनकी गिनती घट रही है। बालरस कारिबू। कनाडा में 25% सिक्के पर मौजूद जानवर है। कारिबू हिरन परिवार का कारविदा का एकमात्र सदस्य है, जिसमें नर और मादा दोनों के सींग होते हैं। नर कारिबू को बैल कहा जाता है और इसका वजन 150 किलोग्राम होता है, जबकि मादाओं को गाय कहा जाता है और इसका वजन 90 किलोग्राम होता है। कारिबू की टखना के आधार पर गंध ग्रंथियों होती है, जो एक गंध का उत्सर्जन करती है ताकि झुंड को आने वाले खतरे के प्रति सुचेत किया जा सके। कनाडा के आधे से भी कम बंजर जमीन कारिबू बचे हैं। कुछ झुंडों में 95% से अधिक की गिरावट आई है।